इंडियन जीके का क्वेश्चन देखेंगे, फंडामेंटल से पूछे जाने वाले प्रश्न। फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन देखेंगे, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, आपके पास 1 से 2 दिन बचा हुआ है। जो सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है आपका 29 जनवरी का है और आज आपका 27 जनवरी है, ठीक है। कितना है? 27 जनवरी, यानी कि आपके पास सिर्फ 2 ही दिन बचा हुआ है। तो एक बार रिवाइज करके जाइएगा और कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जो लोग पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर व्यापम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि ये देखिए, आप जो सब इंस्पेक्टर भर्ती का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका व्यापम लेगा और जो पीएससी प्री एग्ज़ाम है आपका 12 फरवरी को है, ठीक है। यानी कि जो लोग पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए खास तौर पर वीडियो लेकर आया हूँ। कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन करा दिया था, है ना, इसका आंसर सी लिया गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, ये एसएससी मैट में पूछा गया, ठीक है। मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के लिए, खासतौर पर यह वीडियो है पुलिस भर्ती, जिसका एग्ज़ाम आपको मैंने बताया हूँ 29 जनवरी को होने वाला है। तो रिवाइज करके जाइएगा, अब पढ़ने की कोई मतलब नहीं है पढ़ने से, ठीक है, बिल्कुल रिवाइज करते जाइएगा, कंटिन्यू, ओके। आज का जो प्रैक्टिस सेट है मौलिक अधिकार से, यानी कि यहाँ पर भारत के संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 नंबर आपके मौलिक अधिकार से पूछे जाएंगे आपके छत्तीसगढ़, हाँ बिल्कुल, पुलिस भर्ती के लिए यह खास तौर पर वीडियो है। अगर जो लोग अगर पहली बार आए हैं चैनल पर, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करके रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है, 30 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, 9 से 10 लोगों का आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 32 बिल्कुल सही आता है, आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर से आ रहा है, ठीक है। कितने लोगों का आंसर आ रहा है, 36, 37, 38 बढ़ते जा रहा है, चलिए कमेंट करते जाइएगा ना, बिल्कुल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अब मौलिक अधिकार क्या होता है, मैं पूरा जानकारी में बताने वाला हूँ डिटेल के साथ, बने रहिएगा लास्ट के वीडियो पर, ओके। तो चलिए, जितने लोगों का आंसर सी आ चुका है, यानी कि अनुच्छेद 32 ये बिल्कुल सही है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो अनुच्छेद 32 में, ठीक है। तो देखिए मौलिक अधिकार, एक सवाल आपके लिए, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, जो मौलिक अधिकार है आपका कौन से संविधान से लिया गया है, और मौलिक अधिकार ये आपका कौन से संविधान से लिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल आंसर, देखिए फटाफट आंसर आना चालू हो चुका है, जितने लोग अभी कमेंट नहीं किए कमेंट करना स्टार्ट करें। जो मौलिक अधिकार है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, कौन से भाग में, भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में, जो मौलिक अधिकार है यानी कि फंडामेंटल, जो आपका भाग 3 में लिया गया, भारत का संविधान, ठीक है, ये आपका अनुच्छेद कितने से कितने लिया गया, 12 से 35 तक, ठीक है, जो आपका अनुच्छेद है यानी कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक लिया गया, जो कि आपका मौलिक अधिकार, ठीक है, 12 से 35 तक लिया गया है, ओके। तो देखिए मौलिक अधिकार के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, तो पहले क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। तो जो मौलिक अधिकार है आपका, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक लिया गया है, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, ठीक है, इसको नोट करते जाइएगा ना, एक मिनट, चलिए नोट कीजिएगा, भारत का, हाँ, समानता का जो अधिकार है आपका 14 से 18, नोट करते जाइएगा ना, कॉपी रख लीजिएगा साथ में, 14 से 18, और स्वतंत्रता का जो अधिकार है आपका 19 से 22, ठीक है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है आपका कौन सा, 19 से 22। उसी प्रकार शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है आपका 23 से 24, ठीक है, शोषण का जो विरुद्ध अधिकार है 23 से 24। उसी प्रकार संस्कृति व शिक्षा संबंधी जो अधिकार होता है आपका 25 से लेकर 28 तक, ठीक है, और उसी प्रकार आपका संस्कृति शिक्षा का अधिकार मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है, धार्मिक हो गया, उसी प्रकार 29 से 30, ठीक है, आपका कितने, एक मिनट ना, ये आपका 29 से 30, और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में लिया गया है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल नंबर कौन सा है, A, B, C या D है, जो कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार
यानी कि दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक या बार बार उसको दंडित नहीं किया जा सकता। और इसका आंसर आपका कौन सा है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हाँ, आना स्टार्ट हो चुका है। आंसर इसका बिल्कुल सही है। देखिए, हाँ कितना, 125 लोगों का आंसर स्टार्ट हो गया। 125 लोग फटाफट आंसर, देखिए मतलब तैयारी अच्छी चल रही है, यानी कि सिलेक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल सही है, इसका आंसर फटाफट से आ गया ऑप्शन ए, यानी कि तीसरा का ऑप्शन ए होगा आर्टिकल नंबर 20, यानी कि अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में कहा गया है, एक बार ध्यान से समझिएगा, जो अनुच्छेद 20 आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। बिल्कुल सही है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। जो बच्चों का शोषण से संबंधित है, बिल्कुल देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं हूँ, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। देखिए फटाफट, हाँ बिल्कुल सही है, आता है आंसर। राकेश, मोहन, गिरधारी, मनु और ये क्या, शकुंतला, सीमा, रानी, क्या क्या नाम है इसका। देखिए मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। ऐसे ही कमेंट कर, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं। मोहन कह रहे सर गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आंसर लगाते जाओ। आप लोग टेस्ट कर रहे हो ना, प्रैक्टिस सेट कर रहे हो। यहाँ पर देखिए जो एग्ज़ाम है आपका एक दिन के बाद है, यानी कि आपको 29 जनवरी को जो एग्ज़ाम है पुलिस भर्ती का, बिल्कुल सही है। और जो 12 फरवरी को आपको पीएससी प्री का एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल तैयारी किए हैं ना, तो रिवाइज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करते जाइएगा। हाँ प्रैक्टिस करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन होना ना होना ये कोई बात नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका क्या आ गया आंसर, फटाक से बताइएगा, जो शोषण का, हाँ बच्चों के शोषण से संबंधित है, ये आपका यूपीएससी में पूछा गया, ठीक है। तो जो भी मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ वो एग्ज़ाम में बिल्कुल रिलेटिव क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनती है, ठीक है। तो जो मौलिक अधिकार है आपका बिल्कुल सही है, आर्टिकल नंबर 24। तो जितने लोगों का भी आंसर डी आया है ना, कितने लोगों का आया है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 132 लोगों का, 132 लोगों का, ठीक है। हाँ एक बार चैनल को लाइक कर दीजिएगा जितने बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 24, ठीक है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है, भारत का संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया जो भी वीडियो है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, ठीक है। भारत का संविधान, इतिहास, जितने भी क्वेश्चन कराया हूँ वीडियो में है ना, वो सभी नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है, एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है। जो लोग नहीं देखे हैं और जो लोग पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हमने करा लिए हैं। हाँ टाइम की बात करें तो टाइम में आपको कल बता भी दिया था, कितने लोग टाइम पूछ रहे हैं बार बार, मैंने आपको टाइम बताया था ना राकेश, 7:30 बजे और 8:30 बजे के बीच में एक क्लास अपलोड की जाती है रात को, ठीक है। ये आज अंतिम समय है, यानी कि शेष अंतिम दिन आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, कल वीडियो नहीं आएगा, ये आपका लास्ट दिन है, ठीक है। इसके बाद पीएससी प्री के एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी करवाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि 12 फरवरी को एग्ज़ाम है, और पुलिस भर्ती का जो एग्ज़ाम है 29 जनवरी को मैं आपको बताया था, यानी कि एक ही दिन बचा हुआ है, तो आज आपका लास्ट क्लास है, ठीक है, लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं आपको पीएससी प्री और व्यापम की क्लास कराने वाला हूँ, ठीक है। पुलिस भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो आपको हो जाएगा क्लियर, ये आज अंतिम है, ठीक है, लास्ट वीडियो है, ये आप तैयारी कर लीजिएगा प्रैक्टिस सेट के साथ। इसके बाद सिर्फ मैं व्यापम और पीएससी की तैयारी करवाऊंगा, जो कि पीएससी आपका 12 फरवरी को है और व्यापम में बहुत सारे एग्ज़ाम आते हैं, पीएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम आते हैं, है ना, तो उसकी तैयारी करवाता हूँ डेली, है ना, बिल्कुल क्लास करवाऊँगा बिल्कुल बेसिक के साथ। तो इसका आंसर क्या आएगा, भारत के, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं हूँ, इधर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ये प्रेस की जो स्वतंत्रता है 19 में होता है आर्टिकल नंबर, है ना, और बिल्कुल ऐसे ही आंसर दे चुके हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा है, गुड है, गुड, मेरे तरफ से बेस्ट प्लग, ठीक है। तो इसका आंसर पाँचवा का ए, आर्टिकल नंबर 19, यानी कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, जितने भी स्वतंत्रता से पूछे गए हैं आपका आर्टिकल नंबर 19 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया, पीएससी में पूछा गया है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका। देखिए इसका आंसर भी फटाक से आ गया, संपत्ति का जो मूल अधिकार है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, तो इसका आंसर बहुत से बच्चों ने 44वें संविधान संशोधन दिया है, और ये बिल्कुल सही है, यानी कि आपका ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल सही। कितने लोगों का आंसर आ चुका है,
225 से 30 है, बिल्कुल सही है, 225 या 30 के आसपास कमेंट आया है। ये आपका है, क्या नाम है इसका, नाम तो बहुत सारा है, कितना लोगों को पढ़ पाऊंगा मैं यहाँ पर, प्रैक्टिस करते जाइए बस। बिल्कुल सही है, अगर आप लोग आंसर दे रहे हैं मतलब बिल्कुल सही है भाई, आप पढ़े हैं। मैं आपको कल पूरा डिटेल कराया था राज्यसभा लोकसभा से, है ना। हाँ, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, जितने भी कार्यपालिका, ये सब राष्ट्रपति राज्यसभा क्या का है सब मैं आपको कल के वीडियो में कराया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के नीचे ना भाई एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जाकर, ठीक है। इसका आंसर बी होगा। चलिए, इसका आंसर आप बताइएगा क्या आएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, SSC में पूछा गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार मैं जितने भी आज क्वेश्चन करा रहा हूँ फंडामेंटल क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट ऑफ, है ना, यानी कि मौलिक अधिकार से पूछे गए प्रश्न। तो भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो इसका आंसर भी फटाक से आ गया। सूचना का जो अधिकार है आपका मूल अधिकार नहीं है, जबकि शिक्षा का अधिकार, भाषण, एक मिनट, जीवन का अधिकार, भाषण का अधिकार, ये सभी मूल अधिकार है, लेकिन नहीं है पूछा गया, यानी कि सूचना का जो अधिकार होता है आपको भारतीय संविधान में, ये आपको मूल अधिकार नहीं है, और ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए, ये आप बताइएगा इसका आंसर, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी कैदी को, मान लीजिए कोई कैदी है, उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए कौन सी रिट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए परमादेश, या ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, या ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा, या ऑप्शन डी उत्प्रेषण। इसका कमेंट करके बताइएगा, फटाफट कमेंट करिएगा ना, आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ठीक है, मैं 30 सेकंड का समय लूँगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं करवाना बाकी है, ठीक है, रिवाइज करते जाइएगा। फंडामेंटल क्वेश्चन का जो लाया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है सीमा, क्या है सर। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि जो लोग तैयारी करना नहीं चाहते तो वीडियो में नहीं रहिएगा, ठीक है, मैं ब्लॉक कर दूंगा, वरना यहाँ पर बीच बीच में कमेंट ना करें, सिर्फ यहाँ आंसर दीजिएगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसका क्या आएगा, फटाफट कमेंट करें। हाँ देखिए, कैदी का मतलब, देखिए किसी कैदी को मैं पूछा हूँ यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि कोई भी न्यायालय में प्रस्तुत करवाने के लिए बंदी प्रत्यक्षण रीट की आवश्यकता होती है, किसकी, बी आंसर बिल्कुल सही है। कितने लोगों का आया है, 65%। अब 65% के हिसाब से अधिकार परीक्षा कैसे आएगा, इसमें अधिकार ही की बात ही नहीं है। क्या पूछा हूँ मैं यहाँ पर, देखिए, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए रीट पूछा हूँ मैं, रीट, अरे भाई देखिए, हाँ सॉरी सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करिए ना, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं। चलिए, इसका क्या है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है। भारतीय, देखिए अभी इसका आंसर तो ऐसे ही बता दिए सब, मैं क्वेश्चन ठीक से पढ़ा भी नहीं हुआ, आंसर फटाफट दे दिए। इसका आंसर से है राष्ट्रपति। देखिए, इतना सरल सा क्वेश्चन पूछा, इससे सरल और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ठीक है, इतना सरल सरल क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, इतना सरल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। मैं आपको बेसिक करा रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन, रिलेटिव क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा करके मैं आपको बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आएगा, ये नहीं कह रहा हूँ, रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ओके। चलिए, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में व्यक्ति विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, विदेश, देखिए इसका भी आंसर फटाक से आ चुका है। चलिए, पोलिंग बूथ करते हैं, किसका आंसर ज़्यादा आता है, ए बी सी डी, पोलिंग बूथ कर रहा हूँ ना, कितने परसेंट लोगों को आंसर आ रहा है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अब चलिए, आपको मैं 30 सेकंड का समय देता हूँ, फटाफट कहिएगा आंसर। हाँ आ रहा है आंसर, 21 21 21 21, अरे बस कितने लोगों का आंसर है, 21 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश यात्रा, बिल्कुल सही है, जो विदेश यात्रा करते हैं ना आपके आर्टिकल नंबर 21 में ही है, बिल्कुल सही है, किसी लोगों का आंसर गलत नहीं आया है, सभी का आंसर 21 आया है, ऑप्शन सी आया है बिल्कुल। ये आर्टिकल नंबर 19 कौन सा है, आर्टिकल नंबर 19 बताइए तो, ये वाला, ये आपने ये बताया है, ये आपका इससे संबंधित है, विदेश यात्रा से, विदेश यात्रा से संबंधित, जबकि आर्टिकल नंबर 19 किससे संबंधित है, कमेंट करिए।
हाँ इसका ये भी आएगा आपका, ये आपका फिर से आएगा 19 प्रेस की स्वतंत्रता से, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता से आपको 19 ए में लिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता। और जितने भी 19 में हैं ये आपका आएगा स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें 19 आपका हाँ बिल्कुल है स्वतंत्रता का अधिकार से लिया गया है 19 ए में, बोलने की स्वतंत्रता, हर चीज़ की स्वतंत्रता जो भी है आपका 19 में है। और ये जो 14 है आपका विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, विधि के समक्ष, ठीक है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार आपका 14 आर्टिकल नंबर 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अब ये होता क्या है, इसका अर्थ आप समझ लीजिएगा कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एकदम यानी कि एक समान कानून व्यवस्था लागू होगी, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। हाँ ये समादेशों में कौन सा समादेश जिसकी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी करता है, यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति से है अवैध है जो सरकारी पद से बचाने के लिए जारी करता है, कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ, कमेंट करने स्टार्ट करें, फटाफट कमेंट करें ना, यहाँ पर फालतू लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जिसको पढ़ाई करना है अच्छे से करें या फिर नहीं करना है तो बाहर जा सकते हैं वीडियो से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन फालतू का यहाँ पर टाइम नहीं पूछना। जब मैं आपको स्टार्टिंग में टाइम बताया हूँ 7:30 को या फिर 8:30 को मैं बता दिया हूँ, फिर भी बार बार पूछ क्यों रहे हैं यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट। अब मैं दोबारा करोगे मैं कोई आपको नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट मैं आपको बाहर निकालूंगा, ठीक है। पढ़ने वाले को दिक्कत होती है यहाँ पर, जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करो ना, क्या आएगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए आंसर आ रहा है, क्या है इसका आंसर, डी बिल्कुल सही है, अधिकार परीक्षा है ना, बिल्कुल सही है। चलिए भारत के संविधान किस भाग में संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, संविधान की आत्मा, संविधान किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, चलिए बताइए कमेंट करके, संविधान की आत्मा किसके रूप में वर्णित किया गया है, कमेंट करके बता फटाफट आंसर दीजिएगा। संविधान की आत्मा मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, किससे रिलेटेड पढ़ा रहा हूँ, फंडामेंटल से, तो क्या आएगा, मौलिक अधिकार आएगा, सीधी सी बात, इतना सरल कौन पूछेगा भाई। देखिए संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया यानी कि क्या आएगा, हाँ तो बिल्कुल सही है ना भाई, मौलिक अधिकार तो मैं बताया। अब मूल अधिकार को जन्माता का था किसे कहा था, भारत के भाग 3 में लिया गया है अधिकार पत्र, मैग्ना काटा भी कहा जाता है उसको, अभी मैं आपको बताया हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। चलिए क्या आएगा, फिर से मैं पूछ रहा हूँ भाई, दोबारा पूछ रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, इसका आप बताइएगा, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है, अब भी मैं इसको बताया हूँ जिससे आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था ना पिछले वीडियो में, यह भी प्रश्न पूछा है बार बार में, और रेलवे का भी क्वेश्चन है और ग्रुप डी में भी पूछा गया था ये, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है, ये बिल्कुल सही है। देखिए चुनाव आयोग द्वारा जो मौलिक अधिकार कराया जाता है किसके लिए कराया जाता है, चुनाव आयोग के द्वारा ही कराया जाता है, इसका बताइएगा फटाक से कमेंट कीजिएगा, इसमें नहीं करके नहीं आना चाहिए है ना सर, इसका नहीं बन रहा है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कमेंट करो, गलत हो गया सही होगा कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस होगा। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार नहीं है, अब मूल अधिकार नहीं है, अब देखिए मौलिक अधिकार आपको पहले पूरा बताया हूँ स्टार्टिंग में, जस्ट अभी आपको बताया हूँ पूरा, ठीक है, समानता का अधिकार से लेकर आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार तक पूरा बताया हूँ, 14 से पूरा 18 तक आपको बताया हूँ मैं, ठीक है, मूल अधिकार, अरे आपको जो मूल अधिकार है आपका 14 से लेकर 32 तक, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 12 से 35 तक आपको मूल अधिकार बताया हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूँ, यहाँ पर दोबारा कमेंट ना करें, गलती ना करें, ठीक है, जो मूल अधिकार नहीं है पूछा गया फटाक से कमेंट करें, यहाँ पर 30 सेकंड समय दिया रहा हूँ, चलिए कमेंट करना स्टार्ट करें आप। अब देखिए क्या यार यहाँ पर अभी
ऐसी करोगे? आपका एग्ज़ाम आप 29 जनवरी को है, सिर्फ 2 ही दिन बचा हुआ है, आप ऐसी करोगे क्या? यहाँ पर कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको कौन सा आर्टिकल नंबर 32 में है? स्वतंत्रता का अधिकार आपको 19 में है। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन में, ठीक है। एक बार देखिए, जो इसका संपत्ति का जो अधिकार है आपका 44वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार इनको हटा दिया गया है और 300A में रखा गया। 301 में रखा गया, कौन से में? 300A में अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। 19 का मौलिक अधिकार इसको हटा दिया गया है, ठीक है, मूल अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार उसको हटा दिया गया है। समानता का अधिकार 14 में है, यहाँ तक क्लियर करा चुका हूँ मैं, और फिर भी बोल रहा हूँ कि सर इसका पता नहीं है। ऐसा काम तो मत करो भाई। यहाँ पर जब 13 तक आंसर आपने दे दिया है तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, जो आपका मूल अधिकार नहीं है तो समानता का अधिकार आपका है 14 आर्टिकल नंबर, उसी प्रकार आपका संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया। स्वतंत्रता का जो अधिकार है आपका 19 में है और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आपका 32 में लिया गया है। बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ फिर भी यहाँ देखिए, बाकी बच्चे लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, फटाफट कमेंट कर रहे हैं। चलिए इसका बताइए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है? कुल कितना है आपका? भाग 3 में पूछा गया, संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, भाग 3, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक लिया गया है। ओके, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा मूल अधिकार को कहा जाता है, मौलिक अधिकार को, ठीक है। क्या होगा जल्दी बताइए, संविधान के भाग 3 में कुल कितने मूल अधिकारों का वर्णन है? मूल अधिकार पूछा गया तो 24 आएगा ना, यहाँ पर मूल अधिकार पूछा गया है। चलिए इसका बताइएगा, अब इसका आंसर आना ही चाहिए सभी का। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रयुक्त किया है? देखिए 32 में आपका फिर अभी बताया हूँ, 32 फिर से रिपीट हुआ है। देखिए हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा निराशा नहीं करना चाहिए ना, बिल्कुल हाँ, प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। ओके हाँ, जो लोग वीडियो पर नए हैं एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली क्लास के लिए, व्यापम पीएससी की तैयारी के लिए वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। अगर वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ओके, तो आपका आर्टिकल नंबर 32 किससे ले गया? बिल्कुल सही, जितने लोगों का ए आंसर आया है और आंसर आ भी रहा है, कमेंट कर भी रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट लोग, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आपका अनुच्छेद 32 में लिया गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार आपका भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक लिया गया, ठीक है। ओके बिल्कुल सही है, स्टूडेंट लोगों का आंसर अच्छा ही आ रहा है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलिए इसका आंसर आप बताइएगा कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जो विधायक सत्ता पर पूर्ण रूप से नियंत्रण लगाता है? विधायक सत्ता पर, ठीक है, ये जो आपका नियंत्रण है विधायक सत्ता पर पूर्ण रूप से लगाता है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जो आपका विधायक है? ये आपको मैं बताया था ना, विधायक सत्ता पर पूर्ण रूप से नियंत्रण लगाता है, विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार होता है उसमें विधायक सत्ता पर पूर्ण रूप से नियंत्रण लगाता है, और जो विधि के समक्ष है वो कौन सा आर्टिकल नंबर में? आपको जस्ट बताया था 14 में, कौन सा आर्टिकल नंबर 14, तो आपका आंसर कौन सा दिख रहा है? ये वाला ऑप्शन ए। कितने लोगों का आया है? 33 लोगों का, और ऑप्शन बी आया है 35 लोगों का। ये क्या हो गया फिर? ये जिन लोगों का आंसर आया है बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है। ओके चलिए, वह रीट, अब देखिए, अब रीट के बारे में बताया था आपको, रीट से क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए इसका बताइएगा। रीट फिर से पूछा है, घुमाकर पूछा है। वह रीट, हमेशा रीट के बारे में बात करें तो क्या बताएंगे आप? परमादेश, जो भारत के उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाएगी? परमादेश कहलाएगी। और कितने लोगों का आया यहाँ पर? 76% लोगों का आंसर आया है परमादेश, बिल्कुल सही है। तो बाकी लोगों का क्यों नहीं आया? चलिए देखते हैं, अब ये तो इजी सवाल है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ये तो मैं हर क्वेश्चन में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार
भाग दो, भाग तीन, भाग पाँच, भाग छः क्या आएगा? छः, सात, आठ, नौ, दस क्या है? भाग कौन सा भाग में मलिक का अधिकार कौन से भाग में लिया गया? चलिए बताइएगा, फटाफट कमेंट करिएगा ना, कौन सा भाग में लिया गया? भाग तीन में ना, बिल्कुल सही है। एक मिनट ना, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल ना करें, मैं आपको बताया था मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉल ना करें, यहाँ पर क्लास चल रही है, ठीक है। बीच बीच में कॉल ना करें, जो भी आपको पूछना है बाद में कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैसेज भी ना करें, अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्लास चल रही है, ओके। चलिए, क्या आएगा? मौलिक अधिकार है आपका कौन से संविधान में दिया गया है? संविधान के भाग तीन में, ठीक है। कौन से में? भाग तीन में लिया गया है, ठीक है। संविधान के भाग तीन में आपका मौलिक अधिकार से संबंधित लिया गया है, और 99% लोगों का आंसर आया है मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग तीन से लिए गए हैं। और ये भी कमेंट में आया है कि 12 से 35 तक, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक लिया गया है। तो आप एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, कॉल बार बार ना करें, बार बार बोल रहा हूँ फिर भी आप लोग कॉल कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या? यहाँ पर डिस्टर्ब ना करे वरना ब्लॉक कर दूंगा आप। मौलिक अधिकार आपका संविधान के भाग तीन से लिया गया है, और आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि ये आप बताइएगा अस्पृश्यता का अंश, यानी कि अस्पृश्यता का जो अंत है ये कौन से अनुच्छेद में लिया गया है? तो आपका आ जाएगा 70, यानी कि 17, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंश से संबंधित है। और जो भी पद्म भूषण, परमवीर चक्र, जितने भी विभूषण हैं, जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं, कौन से आर्टिकल नंबर में है? तो ये आपका आर्टिकल नंबर 18 में है, जो कि पद्म भूषण, विभूषण, जितने भी दिए जाते हैं पुरस्कार वगैरह है ना, वीर चक्र, परम क्रांति, ये सब 18 अनुच्छेद में दिए जाते हैं, ठीक है, आर्टिकल नंबर 18 में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका निम्नलिखित में किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो इसका आंसर क्या आएगा, फटाक से कमेंट करें, ठीक है ना, क्या आएगा? अधिकार परीक्षा, बिल्कुल सही है। कितने लोगों का आया है? 95 लोगों का आया है, जो बिल्कुल सही है, अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसे कार्यवाही करने से रोका जाता है जो अधिकार परीक्षा कहलाएगा, जो सरकारी तौर पर हकदार नहीं है, ओके। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग जुड़ चुके हैं वीडियो पर। तो वीडियो पर एक लाइक कर दीजिएगा, और अपना नाम बताइएगा कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। मैं डेली क्लासेस करा रहा हूँ, PSC एग्ज़ाम और व्यापम का, ठीक है। तो ये आपका जो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का जो एग्ज़ाम है आपका 29 जनवरी को होने वाला है, और आज आपका 27 जनवरी है, यानी कि आपके पास कितना दिन बचा हुआ है आप देख सकते हैं। इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आया था रिवाइज के तौर पर, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना चाहते तो कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप लोगों का कम प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो आप बहुत ही महत्वपूर्ण था, यूज़फुल था, ठीक है। मुझे इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस करा रहा हूँ, कोई भी पैसा नहीं लेता, ठीक है। तो आप लोग इतना कर दीजिएगा कि सर वीडियो आपको हमें बहुत ही आपका अच्छा लगा, प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि सर थैंक यू, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, वेरी गुड स्टूडेंट। आप लोग आज के क्लास में देखें फंडामेंटल क्वेश्चन, यानी कि मौलिक अधिकार से, और आप सभी की जो आंसर आया है मैं सहमति हूँ कि 70 में जो 20 लोगों का आंसर जो आया था इसमें, पिछले कक्षाओं में मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर सी आया था, और बिल्कुल सही है। और जो लोग आज के वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं और जो वीडियो को रिवाइज कर गए हैं उन सभी को बेस्ट प्लग, अच्छे से तैयारी करें स्टूडेंट, और अच्छे से सिलेक्शन लें। और आप लोग एग्ज़ाम दिलाने जाएं तो आप लोग कमेंट करके मेरा वीडियो में बताएं कि वीडियो में, ठीक है, कि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है 29 जनवरी को, आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, उसके बाद जैसे एग्ज़ाम आप लोग दोगे तो उसको मुझे बताइएगा कि कैसे एग्ज़ाम आया था, कैसे कठिन था या सरल था या मीडियम था, ठीक है। आज के लिए ही इतना ही, ओके।